कहाँ से लाए थे तुझे? कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का शमशान था वो? अच्छा अजमेर का। अच्छा इसका रिश्ता कौन तोड़े थे? कहां से लाए थे तुझे? हाँ, शमशान कब्रिस्तान। जकड़ लो उसको और तेज से। हाँ, तंत्र मंत्र कहां से चला है ये जादू? ये शमशान का है या ये कब्रिस्तान का है? हाँ, जल्दी बयान कर, नहीं तो पूरा जला दूंगा। जल्दी बयान करने तो तेरे हाथों में भी आग लगा दूंगा। हाँ जल्दी बयान कर। हाँ जल्दी ले लू काट के दोनों हाथ। ले लू जोर से, बोल जोर से। ले लू दोनों हाथ काट के। लगा पूरी ताकत, लगा पूरी ताकत। हाँ क्या बोले थे? ये बच्ची को मार दो बोले थे। क्या नाम है इसका? अजमेरा को मार दो बोले थे। तड़पा तड़पा के मारो बोले। इसके बच्चों को कौन मारा? 8 साल से परेशान कर रहे। अच्छा इसके बच्चों को कौन मारा? अच्छा इसको 8 साल से क्यों परेशान कर रहा था? अजमेरा को 8 साल से क्यों परेशान कर रहा था? पूरी घर की हालत बिगाड़ दिया भाई। कहाँ से आया था तू? कहाँ से? जमीन दोष करो तुम, मार मार के कमीने को धूल चढ़ाओ जमीन के। बाप का राज चल रहा, उसके हाथ काट के ले लेंगे उसके दोनों। नहीं बता दो, बता दो। हाँ कहाँ से आया था? शमशान कब्रिस्तान। जोर से बोल, बता दो। जल्दी बता, टाइम नहीं मेरे पास। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी बता। मार दे रहा उसको, ना लायक को। कहाँ से आया था? शमशान कब्रिस्तान। अरे जलाओ उसको। कहाँ से आया था? हाँ? क्या नाम है लड़की का? अजमेरा। अजमेरा को कहाँ से पकड़ा था? नाम नहीं पूछा मैं, किसने भेजा? मैं अभी नाम नहीं पूछा किसने भेजा, सिर्फ बता वो औरत भेजी आदमी भेजा। पिंकी नाम भी है, दो नाम है। हाँ लड़की का नाम पिंकी। हाँ, दोनों उसका दोनों नाम। हाँ पिंकी, अजमेरा के आंग पर कौन भेजा तुझे? हाँ जोर से बोल, जोर से। पिंकी अजमेरा के आंग पर कौन भेजा तुझे, औरत या आदमी? जोर से आवाज लगा कर बोल, कौन भेजा? जोर से, तभी काट दूंगा पूरा तेजी के साथ। भारत ने भेजा। हाँ औरत, औरत। अच्छा वो औरत इसके ससुराल की है क्या, माँ के खानदान की थी क्या, बाप की थी? नाम नहीं पूछा मैं, जो पूछा उसका जवाब दे। माँ के खानदान की, बाप के खानदान की? अच्छा उसके बाप के खानदान की है, ठीक है। वो औरत ने जादू चलाते वक्त ये पिंकी, क्या नाम उसका? अजमेरा। पिंकी अजमेरा का क्या लेकर गई थी? बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा, क्या ली थी जादू चलाते वक्त? क्या ली थी? हाँ क्या ली थी? खिलाया उसने, पान खिलाया। अच्छा पान खिलाया। अच्छा कब खिलाया था, कितना वक्त वाला खिला कर, कितना वक्त हुआ? कितना? 8 साल। कितना? 8 साल। 8 साल हो गए। 8 साल। हाँ 10 महीने। हाँ 8 साल 10 महीने।
अच्छा इसके घर से और किस किस को मारने का, बहनों को, भाई को, बाप को, माँ को, सबको एक एक से या किसी को? हाँ बोल। मैं किसी का नहीं छोडूंगा। सब कुछ किसी का नहीं छोडूंगा मैं। सब कुछ मारने वाला है। अच्छा ये लड़की जो है ये अजमेर पिंकी, इसको कैसा मारना है? सुसाइड कराकर, एक्सीडेंट कराकर, बीमारी पे डालकर, कैसा? ये खुद से मरेगी, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा मैं इसको, नहीं जीने दूंगा। और इसके बाद किसको मारने का है? पिंकी के बाद किसको मारने का है? हाँ सवाल, उसको कैसा मारना है? बीमारी बदल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, या हार्ट लाकर, सांस रुका कर, छाती पर बैठकर, कैसा? इसकी माँ मरेगी। हाँ इसकी माँ मरेगी। कैसा मरेगी वो? बीमार, बीमार कर दूंगा मैं उसको। अच्छा फिर मरेगी वो। अच्छा उसको खिलाने वाला है? उसको किस चीज में खिलाने वाला है? हाँ उसको किस चीज में खिलाया वाला है? इसके माँ को, पूरे फैमिली को खिलाया वाला है क्या इसके? हाँ अच्छा एक एक से खिलाकर मारने का है सबको। अच्छा ये जादू करते वक्त तुझे कहाँ से पकड़ कर लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से? नहीं बताएंगे तो अभी चला देंगे, जलाऊं और तेजी से आग भड़काऊं? हाथा ही काट के लिए बाहर टांग देता हूं दोनों तेरे, ले लू काट कर। बता जल्दी कहां से लाए थे तुझे? कहां से लाए थे? कहां से लाए थे? कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का शमशान था वो? अजमेर। अच्छा अजमेर। अच्छा इसका रिश्ता कौन तोड़े थे? जोर से बोल, पहले बोल, पहले बोल, पहले बोल। हाँ उसने बोली थी वो इसको किसी के साथ नहीं रहने देगी, इसको मार के छोड़ेगी, मैं मारूंगा इसको। अब हम भी है ना बैठे वाले, फिर को हम मार देंगे लोगों को। तू मार रहा, अभी तक कितने लोगों को मारा? अभी नहीं मारा। हाँ इससे पहले कितने इंसानों को मारा? नहीं मारा। सही बोल, नहीं मारा। मरे वाले इंसान की नस्ल से है कि खबीस है कि जिन्नात की नस्ल से? किसकी नस्ल से है तू? किसकी नस्ल से? हाँ किसकी नस्ल से है? किसकी नस्ल से? जल्दी बोलना तो पूरा जला दूंगा। याद आया? हाँ मनमाना कर रहा अंदर बैठ के, बाप का राज चल रहा तेरे। किसकी नस्ल से? किसकी नस्ल? मरे वाला इंसान है, जिन्नात है, खबीस है? हाँ कौन है? कौन है? जल्दी बोलो पूरा काट दूंगा। किसकी नस्ल है? जोर से बोल। जिन्नात। अच्छा एक बात बताइए, बच्ची के पेट में के जो बच्चे मारा इससे पहले किसने मारा हो और क्यों मारा? उसके हमल किसने गिराया? वो हमल में के बच्चे को किसने मारा पेट में के? हाँ जल्दी बोल, टाइम नहीं और पास। हाँ किसने मारा? हाँ जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से। हाँ किसने मारा? हाँ क्यों मारा था बजे? मैं इसको जीने नहीं दूंगा।
इसको बाहर डाल दूंगा। अच्छा फाइनली मार डालेगा, अब उसके बच्चे भी पैदा नहीं होने देंगे। नहीं, इसको मैं किसी के साथ कुछ नहीं रहने दूंगा। क्यों, तेरी बीबी है वो, उसने शादी लगा कर छोड़ा था तेरे साथ में जादू करने ये बच्ची की, और बोला था तेरी बीबी बाद में साथ में मार के लेके चले जा। हाँ हाँ, इसको तो अभी दुनिया में बीबी बना के रखा। हाँ फिजिकली टच, उसको टच भी करता तू आके रात में। हाँ जोर से बोल। हाँ रात में परेशान भी करता हूँ तो। जकड़ो इसको ना लाइक, इसके हाथा पीता काट के ले लेंगे, और तेरी साथ जकड़ लो इसको। तुझे कैसा जाने देंगे, तू मनमाना करेगा ना जाकर भी, तू इंसानों की जान लेगा तेरा क्या भरोसा, इसलिए तुझे खत्म कराने का तैयारी कराएंगे, तुझे काट काट कर भस्म करा देंगे। कहां के, अजमेर के ही कब्रिस्तान से पकड़ा था बच्ची को, मसनवाटे से, अजमेर के मसनवाटे से। हाँ जोर से बोल, कब्रिस्तान के मसनवाटे। क्या कब्रिस्तान था मसल हो गया था वो? हाँ कैसे जाने दो अब्बा का राख चल रहा, क्या लोगों को मार देगा तू, तेरा क्या भरोसा, चलते को बन के लेके जला के राख कराएंगे, दूसरी चक्कर में तेरे से सब डिटेल पूछूंगा, जब तक इसको जंजीरा डाल के बन के डाल दो, इसको मार मार के खत्म कराने की तैयारी कराओ, और बच्चे की और उसके माँ की और पेट में के बच्चे की दोनों की हिफाजत कराओ अल्लाह के फजल करम से, इन नालायक बलाओं से जकड़ के लो बलाओं को। चल जा, और दूसरी चक्कर में मेरे सामने सब बयान करना, मैं जो जो पूछूंगा नामों के साथ जा। चल निकाल, क्या नाम बच्चे का? अजमेरा। चल जा रही, जा जा हाँ जा, और नहीं डालो उसके अंक सीधा मुंह पे। वो गांव में जैसे मुल्क को लेके करते थे, उसके बाद चले जाते थे, उसके बाद इसका पानी पिलाओ, हाथ हाथ पर तेरा कर देते थे। बोलता हूँ चलो, क्या हमारा ग्रह बात मत करो, अभी उठने के बाद पिलाओ। ये जो मसला है ये खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, उन्होंने इससे पहले बच्ची को बताया, उन्होंने खुद बयान करा, उसमें रिकॉर्डिंग में है, क्लियरली सुन लो उसका, जो उन्होंने बयान करा उसके जबानी बता रहा हूँ उन्होंने क्या बोला उसने। तो उसने बोला कि वो आठ साल दस कितने आठ साल दस दिन के पुत्र दस महीने क्या बयान किया है कि कुछ है उसमें, देखो उसके दिन से है। फिर उसके बाद में उसने ऐसा कहा कि उसको कुछ पान मोहन के अंदर कुछ उसे बाप के रिश्तेदार मी ने मिलाकर खिलाया था, अब क्या खिलाई क्यों खिलाई वो सब वो तुमको आगे के सेकंड राउंड में पूछाऊंगा, कौन है उसका नाम के साथ। तुम अगर कदमी कौडाल ऐसे हरकतें एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो तुम ये सोचो मत कि तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा, बनमुट्ठी में तुम कर देंगे और बनमुट्ठी में चल जाएगा एक दूसरे को, मैं यहाँ नाम निकाल के बता दूंगा, मेरे पास में फिर खास बात है अल्लाह दिया जी कि यहाँ तो नाम निकलना ही निकलना है। वो आठ साल और कितने दस महीने कितने दस दिन से परेशान कर रहा था, अल्लाह के फजल करम से अब यहाँ से सारी राहत सारा फायज मिलेगा, आप जैसा तरीका तो तरीके से अमल करेंगे। तो ये जो है तो इसका ऐसा कहना था कि इसको खिलाया हुआ था, खिलाया हुआ था और खिलाकर छोड़ा हुआ शमशान से था, खुद ब खुद नहीं आया वो, अगर खुद ब खुद आता था तो उसको अभी इसी वक्त खुद ब खुद रिटर्न कर देते थे वो। अब यहाँ से वो क्या करती, वो जो अंदर की जो दवा रहती है अटके वाली
मखनाती लोहा लो चिम्मक को कैसा खींचता हुआ था वो अंदर की दवा उसको रिटर्न खींच खींच के बुलाती है। इंशाल्लाह ताला जब आप अमल करेंगे तो उस दौरान में उसको मार पड़ के खुद ब खुद उमेटिंग होंगी, ऑटोमेटिक खुद ब खुद उमेटिंग या फिर खुद ब खुद उसको जुलाब लगेंगे, दोनों में से एक होकर उसकी दवा बाहर निकल जाएंगी और दवा निकल गई तो सब चीज़ों का फ्यूज उड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, यानी कि वो आ नहीं सकेंगे नेट, तो सब चीज़ें कैद हो जाएंगी, कैद होकर जला के उनको राख कर देंगे। लोगो समझो, एक दूसरे के ऊपर ऐसे हरकतें मत करो, तुमको अल्लाह के ऊपर जवाब देना है। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू कोई भी धर्म का है इंसान, तो तुझे ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड सब उसके से नाम है ना, उसके तो सामने तुझे जाकर बयान तो करना है ना दुनिया में क्या काम करके गया था तू, ऐसे काम आ करके जाएगा। अगर मुसलमान है तो क्या ऐसा जाके अल्लाह के सामने जवाब देगा, हिंदू तो क्या ऐसा जाके ईश्वर के सामने जवाब देगा। ईश्वर अल्लाह गॉड सब उसके नाम है। हर धर्म के किताबों को बारीकी से पढ़ो, सबका कंक्लूजन लास्ट में उसकी यही निकलेगा कि एक ईश्वर है जिसकी कोई शक्ल नहीं है और उसने सारे कायनात की सबकी रचना रचा सारे गैलेक्सियों की, और उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता, उसको तुम देख नहीं सकते। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें क्या बयान करूं, सिर्फ इतना बयान करूंगा कि मुसलमानों और हिंदू सिख ईसाई जो भी सुन रहे हो सबके वास्ते अल्लाह ने कुरान रहमत बना के भेजे लिए। तुम सब ये मत समझो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही नहीं, तुम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मगर इतना ही कि कुछ राह हिदनस सिरातुल मुस्तकीम की राह पर उम्मत है और कुछ भटक गए भी उम्मत है। तो इसलिए जो भटक गए वाले हैं तो उन्होंने भी सोचो, हिंदू मुसलमान सिख से सब कुरान पढ़ सकते, घर में सुनो सूरह बकरा सूरह यासीन सूरह मुजम्मिल जो तुम बजा सकते मोबाइलों में बजाओ सुनो, तुम्हारे घर में सारे आफतें बलाएं परेशानियां दूर होंगे और तुम्हारे यहाँ बरकत देंगे, सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। नमाज और इबादत की भी राह को मजबूती से थाम लो। लोगों तुम्हारे दिल को अगर सुकून नहीं मिलता, बेसुकून है, तलमल हो रहा, तो कुरान पढ़ो, देखो कैसा सुकून मिलता, नमाज पढ़ो फिर देखो कितना सुकून मिलता। ऐसा जरूरी नहीं है कि नमाज पर कॉपीराइट है, इन्हें पढ़ेंगे उन्हें नहीं पढ़ेगा, पढ़ो तो सही, क्या पता पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुम्हारा दुनिया की और आखिरत की दोनों दौलतों से नमाज देगा। रहमतुल्लामीन है रबुलमीन, इस वक्त रहमतुल्लामीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुगर में वो रबुलमीन तुम्हारा नमाज देगा, क्या मालूम है ऐसी बरकत से कि तुम्हारा दुनिया और आखिरत की दोनों दौलतों से नमाज देगा। इसलिए पढ़ो तो सही और तुम्हारे सुकून अता होगा, तुम्हारे को बहुत सारे बातों से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तुम अगर पढ़िए तो तुम गलीज रहेंगे, तुम गलाजत में महबूज रहेंगे, उसमें से लौटते पड़े रहेंगे तो फिर तुम्हारे साथ में खबीसा शैताना भी नहीं, तुम पाक साफ रहेंगे, इबादत कर ले रहेंगे तो तुम्हारे पर रहमत नाजिल होंगी, फरिश्ते नूर ये बरसेगा। तो ऐसी बातें रहते हैं, बहुत सारे राज हैं, इंशाल्लाह ताला अमल करो, कहीं सुनने ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सज्जा बोलने वाले किस्म में का नहीं है, चले जाने को चले जा, इसको इलाकों का भूत है हाथों से नहीं मारने वाला, इसको इस तरीके से अमल करके चलाना पड़ेगा। इससे पहले भी इन्होंने 8 साल में बहुत जगह बताए होंगे, बहुत जगह उन्होंने बोला होगा मैं जा रहा हूँ और बाद में फिर रिटर्न आ जाता हूँ, अंदर की दवा उसको वापस खींच लेती, क्योंकि मुझे सब मालूम ना तरीके रात दिन में कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसा हल करना है। और दूसरी बात, जैसा मैं इबादत की राह बताया वो सब सही तरीके से पढ़ो, इबादत ना करो, उससे बहुत सारे प्रोटेक्ट होते हैं, हिफाजत होते हैं, कहीं ना सुनने से अल्लाह सबको अमल करने, कहीं ना सुनने से अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहाँ से आए थे? अजमेर से। अजमेर, बच्ची का नाम भी अजमेरा है, वो पिंकी अजमेरा और अजमेर शरीफ से आए वाले। वो अजमेर में कहाँ रहते? बेसली नगर में से कोई भी रहते वो। खैर इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबको फैज अता करता, फैज की दरिया जहाँ से जारी, बहुत सारे राज है क्या बोलूँ, कहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।